और अब बात करते हैं संजय सिंह को मिली बेल की। मुश्किलों में घिरी आम आदमी पार्टी को कल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी से पूछा कि संजय सिंह को जेल में रखने की जरूरत क्या है, इस पर ईडी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई और उसने जमानत का विरोध नहीं किया। संजय सिंह को जमानत मिलने से जहां आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट अब सबको रिहा कर देगा। सत्य में जीते हैं तो हमको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा था। आवाज उतनी ही खुशी मिली है, उससे भी ज्यादा खुशी मिली है। अब वो ये कहेंगे अरे बेली तो मिली है, इसका मतलब ये कहने कि कुछ नहीं किया है। इनको बेल नहीं मिली, लेकिन कोसेंगे किसको, जांच एजेंसियों को। सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी का पर्दा फाश हो गया। आम आदमी पार्टी जब सबसे बड़े सियासी आफत से जूझ रही थी, निचली अदालत से हाईकोर्ट तक कहीं से भी राहत नहीं मिल रही थी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद संजय सिंह को जेल से बाहर आने का रास्ता साफ कर दिया। संजय सिंह को चुनाव प्रचार करने की इजाजत भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की 3 जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा, पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत ट्रायल पूरा होने तक संजय सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के मामले में ईडी को कोई आपत्ति नहीं। हम वर्तमान अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। फिलहाल ईडी अब संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं करेगी। ट्रायल पूरा होने तक जब तारीखें आएंगी तब उन्हें पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से संजय सिंह को जेल में रखे जाने की वजह पूछी, जिसका कोई सटीक जवाब ईडी के पास नहीं था और यहीं से संजय सिंह को जमानत मिलने का रास्ता साफ हो गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए, 6 महीने तक वो जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में संजय सिंह की हिरासत की जरूरत है तो लंच ब्रेक के बाद इससे उसे अवगत कराया जाए। लंच ब्रेक के बाद ईडी ने अपने जवाब में अदालत से कहा कि उसे संजय सिंह को जमानत दिए जाने से कोई एतराज नहीं, जिसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुना दिया। ईडी ये भी चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह की बयानबाजी पर भी लगाम लगा दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। बस इतना कहा कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संजय सिंह राजनीतिक व्यक्ति हैं, ऐसे में उनकी बयानबाजी पर रोक लगाई जानी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, संजय सिंह शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब बेल एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट चल रही थी तो ईडी से कुछ सवाल पूछे गए थे। ईडी ने उन सवालों पे कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि 2 साल के लगभग ये इस केस को रजिस्टर्ड हुए हो चुके हैं, करीब 6 महीने से ज्यादा संजय सिंह जी कस्टडी में हैं, तो संजय सिंह जी से रिलेटेड जितने भी सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछे, जज साहिबान ने पूछे, उस पर कोई सेटिस्फैक्टरी कोई रिप्लाई नहीं था। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि आप बताइए इनको क्यों ना जमानत दे दी जाए, आपको क्या ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वो लोग पहले किसी भी बात का ठीक रिप्लाई नहीं दे पाए थे, तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि भी हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। इस वजह से बहुत बड़ी राहत के रूप में हम संजय सिंह जी का इस केस में हम समझ रहे हैं। इससे पहले संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दमदार दलीलें रखी, जिससे ईडी का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG SV राजू भी बैकफुट पर नजर आए। सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि सिंह के खिलाफ ईडी का पूरा मामला सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान पर आधारित है, जिन्होंने वास्तव में सिंह का नाम लेने से पहले 9 ऐसे बयान दिए थे जिसमें वो खुद को बेगुनाह साबित करना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संजय सिंह की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद ईडी का रुख पूछा। बेंच ने कहा कि कोई पैसा बरामद नहीं किया गया था, कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, कोई निशान नहीं। मनी ट्रेल के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सवालों का ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में ईडी के वकील SV राजू को जमानत का विरोध करने का कोई तर्क नहीं मिला और संजय सिंह को जमानत मिल गई। संजय सिंह का परिवार खुशी से झूम उठा।
शर्त में जैते है तो हमको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा था, तो आज उनको बेल हो गई है। पूरा उम्मीद करते हैं कि हमारे बड़े भाई अरविंद जी, मनीष जी, सत्यन जैन को भी इसी तरह से राहत दे, फिर हम सत्य में जैते रहे। वो दिन कैसा था, आज का दिन हमारे लिए कैसा है? वो दिन तो इतना दुखी हुए थे कि हम जान रहे हैं, अब आज उतनी ही खुशी मिली है, उससे भी ज्यादा खुशी मिली है। कैसे बीता है 6 महीने, क्योंकि एक ईमानदार बेटे को ले गए थे, इसके लिए हम लोग जान सकते हैं कि मतलब जब भी बात होती थी हम संजय के सामने रोते नहीं थे। बस एक दिन रो दिए थे, संजय ने कहा मम्मी रो मत, हौसला बढ़ाओ। कहा आप तुम्हारा हौसला ही बढ़ाएंगे हम। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले संजय सिंह को मिली जमानत ने आम आदमी पार्टी की झोली खुशियों से भर दी। पार्टी की पूरी पलटन केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी बीजेपी की साजिश बताने लगी, ईडी की पूरी थ्योरी को झुठलाने लगी। हालांकि बीजेपी ने दलील दी कि जमानत तो इसलिए मिली क्योंकि ईडी ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूछा कि अगर ईडी के पास सबूत होते तो भी वो विरोध नहीं करती। संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने ये दिखा दिया। आज केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, देश के हर एक देशभक्त के लिए जिसको सच में विश्वास है, जिसको भारत के संविधान में विश्वास है, उसकी आज जीत हुई। आम आदमी पार्टी के जितने तमाम नेताओं को इस फर्जी शराब घोटाले में कैद किया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है, उनमें से आज हमारे सांसद संजय सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट करी है। पिछले 2 सालों से जो भाजपा ने एक झूठों का पहाड़ बनाया हुआ था, हर तरह का प्रोपेगेंडा चलाया था कि बहुत बड़ा शराब घोटाला हो गया है और फला फला व्यक्ति ने फला फला कहा इसलिए बड़ा 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 घोटाला हो गया है, उसका पर्दाफाश आज हुआ। ईमानदारी की होती जो नीयत तुम्हारी तो तिहाड़ तक न जाती तुम्हारी सवारी। नीयत ही नहीं है, और उसके बाद जेल गए सड़कों से तो सड़कें थी खाली। आज संजय सिंह जी की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में 2 महत्वपूर्ण बातें इस केस की पूरे देश के सामने आई है। सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था, कि मनी ट्रेल कहां है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो ईडी का सारा केस है, जिसके तहत संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के बयान के आधार पर है। हम सीएम पद के पीछे नहीं पड़े। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार लेना, आप सब सीएम बनना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल कल खेल कर गए, आप दोनों का नाम बता गए कि ये दोनों विजय नैयर इनको रिपोर्ट करता था, और आपने उससे बड़ा काम किया आतिशी ने। उन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे, उन्होंने दुर्गेश और राघव का भी नाम ले लिया, तो मुझे लगता है ये लंबी कड़ी चलने वाली है। इनके आपस में सरफुटबॉल होगी, अब सब देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी का पर्दा फाश हो गया जब उनसे पूछा गया कि पहले 10 बयान आपने सामने क्यों नहीं रखे, 11वें बयान में ऐसा क्या था कि आपने सिर्फ 1 बयान मांगा, उसके बाद आपने बयान क्यों नहीं लिए। तो आज ये पूरे देश को पता चल गया कि ये तथाकथित शराब घोटाला सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के, सरकारी गवाहों के दबाव पूर्वक लिए गए झूठे बयानों के आधार पर खड़ा हुआ है। इनको बेल नहीं मिली, लेकिन कोसेंगे किसको, जांच एजेंसियों को। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र नहीं खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचारी पार्टियां खत्म हो रही हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का मैं धन्यवाद करता हूं कि आखिरकार सच की जीत हुई। उच्चतम न्यायालय ने भी देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बना दिया था एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट। आज ये बात सिद्ध हो गया कि भाजपा के ईडी के पास
कोई सबूत नहीं हमारे खिलाफ, कोई ग्राउंड नहीं हमारे खिलाफ, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के दबाव में हमें जेल में रख रहे थे। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले संजय सिंह को मिली जमानत से इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों का सीना भी चौड़ा हो गया। सबने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ये उम्मीद भी जता दी कि बीजेपी के साजिश के कारण जेल जाने वाले सभी विपक्षी नेता एक एक कर बाहर आ जाएंगे, ईडी और बीजेपी की मिली भगत की कहानी से जनता को रूबरू कराएंगे। हमें उम्मीद है जिस तरीके से संजय सिंह को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, अरविंद केजरीवाल जी को भी न्याय मिलेगा, हेमंत सोरेन जी को भी न्याय मिलेगा। जो ये कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, इससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थूथू हो रही है, बदनामी हो रही है। अब उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या कदम उठाएं, जेल में रखें क्या, रिहा करें। अगर इंस्टीट्यूशंस को भारतीय जनता पार्टी चलाएगी तो हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत होगा? जितनी इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगी उससे लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, वो हारने जा रही है। ऐसा दल जो ये नारा दे रहा हो कि 400 पार, उसको किस बात की घबराहट है? ये पूरी तरीके से जो आज सरकार चल रही है ये केवल लोगों को प्रताड़ित करना, परेशान करना। हाँ, पर न्यायपालिका बिल्कुल न्याय दे रहा है। आप देखिए, जैसे कांग्रेस पार्टी के लिए इनकम टैक्स की नोटिस माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज उसको रोक लगाया और कहा कि जो भी जनदारी होगी, जो भी चीज़ें होंगी वो चुनाव बाद होंगी, चुनाव में नहीं कुछ करना है। तो निश्चित तौर से आज उनको बेल मिली, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, न्यायपालिका को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। एक के बाद दूसरा भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का नेता शराब घोटाले में जेल गया, और कैसे इन्होंने देश की जनता और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, ये दुर्भाग्य है। बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है देखकर कि कैसे दिल्ली की जनता को ठगा, और फिर ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पे को फटकार लगाई है, ईडी से ये तक कहा कि आपके पास कोई कारण नहीं है उनको जेल में रखने का, और फिर उसके चलते उनको जो राहत मिली है उसका मैं स्वागत करती हूँ, और फिर से दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी एजेंसीज हैं उसका दुरुपयोग कर जो भी विपक्ष के नेता हैं जिनकी आवाज़ है, जिन्होंने बीजेपी को घेरने का काम किया है, उनको पॉलिटिकली अरेस्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सवाल पूछा था ईडी को, जी इतना दिन तक क्यों कस्टडी में, उसके तरफ से तो कोई रिकवरी, कोई रुपया वहां से रिकवरी भी नहीं हुआ, तो इतने दिन से क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड, ये बहुत पावरफुल स्टैंड है, स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, और बेल भी हो गया। इससे पहले फरवरी के महीने में दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन साथ ही निचली अदालत को यह निर्देश दिया था कि वो सुनवाई में तेजी लाए, लेकिन संजय सिंह ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत दे दी। दीपक दुबे के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली न्यूज 24।